नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। आज से आप सभी सम्मानित सदस्यों को मैराथन की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी और एक एक सब्जेक्ट का आपको मैराथन मिलेगा। इसी क्रम में भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का मैराथन प्रारंभ किया जा रहा है आज से, और इसी कड़ी में हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर, जो कि ये है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज, उल्लिखित निर्देश के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए। मींस जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, निर्देशों का दस्तावेज जिसे कहा जाता था, तो जो निर्देशों का दस्तावेज था वह किस स्वरूप में भारत के संविधान को जब बनाया गया है तो भारत के संविधान को समाहित किया गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव जी थे। बीएन राव जी ने यह कहा था कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को दो भाग में रखना चाहिए। पहला होगा मौलिक अधिकार भाग एक, दूसरा मौलिक अधिकार भाग दो। मौलिक अधिकार भाग एक क्या होते हैं, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, और भाग दो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। उनके इस बात से संविधान सभा सहमत हुई, लेकिन आंशिक रूप से। अर्थात मौलिक अधिकार जो पहला भाग था वह तो एज इट इज भारत में मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान में समाहित कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा भाग दे रहे थे जिसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, उसके संबंध में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां पर जो ये देख रहे हैं आप दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसे ये जो दस्तावेज था इस दस्तावेज को भारत के संविधान में किस रूप में रखा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो है वह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कि भारत के संविधान में उसे कहां रखा गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत में, जो कि आपके भारतीय संविधान के भाग चार में उल्लिखित है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में किस भाग में समाहित किया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में इसे समाहित किया गया है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। मींस आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है, मींस इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हो सबके साथ, जस्टिस सबके साथ हो, मींस धन का ऐसा संकेंद्रण ना हो जिससे व्यक्तियों तक चीजों को सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा सके। आर्थिक न्याय का अर्थ यहां पर यह है कि सभी को बराबर हिस्सेदारी हो, हर व्यक्ति को बराबर जो है वह भागीदारी मिले। तो ऐसी संबंधों के में कहा गया है कि आर्थिक न्याय का उल्लेख कहां किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, या उपरोक्त में से कहीं पर भी आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। ठीक, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीन न्याय की बात की गई है भारत के संविधान में, तीनों कहां पर है, कहां कहां पर। देखिए पहला तो दिया गया है जब हम प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ते हैं, तब यह बात स्पष्ट होती है।
दूसरा मिलता है आपको राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में नहीं मिलता है ये। मौलिक अधिकार आर्थिक न्याय की बात नहीं कर रहा है, ना सामाजिक न्याय ना धार्मिक न्याय। यहां पर जो आर्थिक न्याय की बात की गई है वह प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में की गई है। तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन देखिए आपको बी, ये आपका सही आंसर है कि प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय की जो बात कही गई है भारत के संविधान में, वह आर्थिक न्याय की बात कहां पर मिलती है? भारत की संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में मिलता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे वह कैसे चुने जाते थे, कैसे चुने गए थे? तो उन राज्यों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे। तीसरा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। या चौथा है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चयनित किया गया था। तो संविधान सभा में जिन लोगों का चुनाव हुआ था वह सीधे जनता द्वारा चुने गए थे, ठीक है? तो सीधे क्या किया गया था इनको, जनता द्वारा चुना गया था, उन राज्य के लोगों द्वारा वो सीधे निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? भारत का महान्यायवादी मींस, ये तो आपका स्टेटमेंट है, यानी भारत का महान्यायवादी क्या क्या करता है? लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मत डाल सकता है। यहां पर आपको बताना है कि भारत का महान्यायवादी जो होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है, और यह भारत सरकार का विधि मंत्री, सॉरी माफ कीजिएगा, विधि जो है अधिकारी होता है, अर्थात कानूनी मामलों में यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है, सलाह देता है, ठीक है? अब उसके संबंध में, यानी अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन कौन सी बातें सत्य हैं, क्या क्या वो कर सकता है, ठीक? देखिए, पहला जो लिखा है उन्होंने कि लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लोकसभा की कार्यवाहियों में वो भाग ले सकता है, उसको मना ही नहीं है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वह समिति लोकसभा की समिति, राज्यसभा की नहीं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, उसे राइट टू स्पीच होता है। लोकसभा में मत डाल सकता है, नहीं, मत डालने का अधिकार नहीं है उसको दोस्तों। किसी भी मत वही व्यक्ति डाल सकता है जो लोकसभा का सदस्य होता है, अर्थात जनता द्वारा चुना गया होता है, ऐसा व्यक्ति ही लोकसभा में मत डाल सकता है, राइट टू वोट उसे अकेले होता है। यानी तीन काम कर सकता है भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, या लोकसभा में बोल सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सी, 1, 2 और 3, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, ये जो बात की जा रही है शक्ति की, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दिया जाता है, जुरिस्डिक्शन मीन्स अधिकारिता, अधिकारिता रहती है, अधिकारिता मीन्स कार्य करने का क्षेत्र, नहीं दायरा, कितने में आपको कार्य करना है,
उसका दायरा निर्धारित होता है। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसे ये तमाम प्रकार की अधिकारिताएं दी गई हैं, परामर्श यानी एडवाइस देने का। राष्ट्रपति किसी मामले पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है कि इस पर क्या विधिक दृष्टिकोण होना चाहिए, किस हिसाब से कार्य होना चाहिए। तो परामर्शदात्री अधिकारिता 143 ये बात करती है। अपीली अधिकारिता, चार मामलों में अपील की बात की गई है, संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, दांडिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति याचिका, यानी 131, 132, 133 और 136। मूल अधिकारिता, मूल या इसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, या इसे ही कहते हैं प्रारंभिक अधिकारिता। कई कई किताबों में आपको ये प्रारंभिक अधिकारिता के नाम से मिलेगा, मूल अधिकारिता जो लिखा हुआ है। चौथा है रिट अधिकारिता, यानी रिट जारी करने का। ये अधिकारिता भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यहां पर पूछा जा रहा है प्रश्न कि केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवाद, यानी कोई ऐसा मामला है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाता है, यानी सेंट्रल के बीच और स्टेट के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर कोई यदि विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वह किस अधिकारिता के अंतर्गत करती है। तो यहां पर दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वह है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या इसी को आप कह सकते हैं प्रारंभिक अधिकारिता, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन या गार्जियन है। भारत के संविधान का कस्टोडियन किसे कहा गया है, या किसे भारत के संविधान का संरक्षक गार्जियन कहा गया है। देखिए, गार्जियन किसे कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को गार्जियन कहा जाता है जिसके पास उस व्यक्ति को शासित करने की क्षमता हो, उस व्यक्ति को कंट्रोल करने की क्षमता हो, उस व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता हो। हमारे आपके गार्जियन क्या है, हमारे और आपके विषय में क्या करते हैं, निर्णय ले सकते हैं। यहां पर भी यदि भारत के संविधान की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के संविधान के संबंध में संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है, व्याख्या में उसके संबंध में निर्णय लेना, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है संविधान के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय को। संसद भी नहीं ले सकती है, संसद यदि कोई परिवर्तन कर देती है, कोई संशोधन कर देती है तो उस संशोधन को भी, उस संशोधन की वैधता अवैधता की जांच करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। अतः लिटरल सेंस में यदि बात की जाए, सामान्य भाषा में यदि बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर भारत के संविधान का कस्टोडियन भारत के उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वह क्या है, भारत के संविधान का कस्टोडियन या गार्जियन कहा जाता है। क्लियर है यहां पर, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका डी। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह किसमें मिलती है, यानी भारत के संविधान में जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, कल्याणकारी अर्थात वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट जिसे आप राम राज्य कहते हैं, राम राज्य की संकल्पना, तो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है दोस्तों वह भारत के संविधान में कहां मिलता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में, या सातवीं अनुसूची में।
ठीक। देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अर्थ क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अर्थ यह है कि इस तरह से राज्य की स्थापना की जाए, ऐसे तत्वों को लगाया जाए, इस तरह से शासन किया जाए कि अधिकतम लोगों को सुख प्राप्त हो सके। एक जुरिस्ट है, उन्होंने कहा है मैक्सिमम हैप्पीनेस, अत्यधिक सुख की जो प्राप्ति करा सके, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, लोगों को अत्यधिक आप जो है सुविधाएं दे सके, वही एक कल्याणकारी राज्य है। तो इनके संबंध में यदि हम अध्ययन करें तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श प्रतिबिंबित होता है। तो यहां पर इस प्रश्न का सबसे बेहतर ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 8, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो आपका इसे ही बनता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन इसे कहते हैं या इसको पुनरीक्षण कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में कहां दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद में? यदि जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 13 से गवर्न होता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है, न्यायिक पुनरीक्षण की बात करता है। क्लियर? अब यहां पर पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, कि दूसरा इसमें जो प्रश्न बनता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है यह भारत में किन किन न्यायालयों को प्राप्त है। तो मैं बता दूं तो आपको कि हाई कोर्ट को भी प्राप्त है दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है, ठीक। प्रश्न इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों कि एक प्रश्न आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्नों 4 प्रश्नों को जो है वह व्याख्यात्मक रूप से आप हल कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण की बात आई तो देखिए तो 3 चीजें आपको मिल रही हैं। पहली चीज तो कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से गवर्न होता है, 13 से। किन किन न्यायालयों को भारत में प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहां पर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। दूसरा, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। तीसरा है न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायपालिका का सामान्य या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह होता है दोस्तों कि जो भी कानून संसद द्वारा या राज्य की विधानमंडलों द्वारा बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, यानी क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इस तरह से उनकी जांच करना। तो यहां पर सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका ए, विधियों अर्थात लॉ, जो लॉ है उसे, और कार्यपालिका आदेश जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है या जिसे आप जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, उनकी संविधानिकता, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच करना ही क्या है न्यायपालिका का जो अधिकार है, वही क्या कहलाता है न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ यही होता है। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका वो है ए। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार प्रदान करता है?
आपको जिस भी व्यक्ति से पसंद है, जिस भी व्यक्ति को पसंद करते हो, जिस भी लड़के को आप पसंद करते हो, लड़की को आप पसंद करते हो, उससे विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको देता है? बहुत ही जानदार प्रश्न है। यदि आप लिटरल पढ़ें भारत के संविधान को, तो आपको इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा। लिटरल मीन्स आप क्रम से पढ़ते चले जाइए संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक, आपको कहीं भी अनुच्छेद नहीं मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मीन्स प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहां पर जो आपको दैहिक स्वतंत्रता दी जा रही है, यानी पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, यानी जो यहां पर क्या दिया जा रहा है, पर्सनल लिबर्टी आपको दी जा रही है। इसी पर्सनल लिबर्टी, इसी दैहिक स्वतंत्रता शब्द की जब हम व्याख्या करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसी व्याख्या में यह निकल के आता है कि किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा शासित होता है। ठीक है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। बहुत ही, यदि आप ये मान के चलिए दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और छात्र होते हैं जिन्हें ऐसे प्रश्नों को वह गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पढ़ने का जो तरीका है वह व्याख्यात्मक नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 21 के तहत होगा आपका यह अधिकार। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवी अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, सब्स्टिट्यूट किया गया था, लाया गया था, फिर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी, नवी अनुसूची। तो जब नवी अनुसूची लाई गई, तो उस समय दो कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो यहां पर बहुत सीधा सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जब प्रधानमंत्री थे तभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रथम जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, मींस प्रांतों को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, स्वायत्त बना दिया गया, स्वतंत्र बना दिया गया, केंद्र में द्वैधशासन, यानी जो पहले राज्यों में द्वैधशासन था वो राज्यों से हटाकर कहां कर दिया गया? केंद्र में द्वैधशासन कर दिया गया, और राज्यों में द्वैधशासन की समाप्ति। तो इस अधिनियम की यदि विशेषता की बात करें दोस्तों, तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी, इसका सही आंसर है 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों जो है क्या है, भारत संविधान के अंतर्गत 1935 के शासन अधिनियम की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें आपको चुनना है कि किस अधिनियम के द्वारा क्या लाया गया था। देखिए, यदि बात करें 1909 के शासन अधिनियम की, जिसे आप क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार, 1909 का जाना जाता है चेम्स फोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार, 1935 का ये है ही है। 1947 का जो अधिनियम था ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो आपको मिलाना है कि किससे द्वारा क्या किया गया था। देखिए, 1909 का जो अधिनियम आया था उसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार,
यानी लॉर्ड मॉर्ले जो है उस समय भारत के तत्कालीन सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्होंने ही भारत में पहली बार क्या किया था, चुनाव यानी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव के सिद्धांत को ले आए थे। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, 12 का ए। केंद्र द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, द्वैध शासन प्रणाली की, यानी द्वैध शासन जो प्रणाली थी उसका जो प्रारंभ माना जाता है वो कहां से माना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है वह द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, अभी हमने देखा कि कौन कौन सी विशेषताएं थी, अब यहां पर देखिए कौन सी विशेषता नहीं है, आपको खुद ही आंसर समझ में आ गया होगा कौन सी नहीं है विशेषता। तो यहां पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आपके सामने है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी नहीं, इस अधिनियम के द्वारा वो क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता, ये तीनों इस अधिनियम की विशेषता थी, परंतु प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वह इस अधिनियम की विशेषता नहीं थी, इस अधिनियम को नहीं, इस अधिनियम के द्वारा इसको प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट 15, अब इसको आपको सुमेलित करना है, सूची वन को सूची दो में, सूची वन में आपके विषय दिए गए हैं तथा सूची दो में आपके अनुच्छेद दिए गए हैं जिन्हें आपको मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर लोक नियोजन में समानता, अर्थात ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 16 में। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये है आपका 29 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये अनुच्छेद 21 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो अब आप इसको मिलाइए, ए का 4, देखिए ए का 4 कहां कहां दिया है, 1, 2 और 3। अब आइए बी का 1, तो बी का 1 कहां दिया है, यहां दिया है, तो यहां पे भी बी का 1 नहीं है, तो आपको आंसर आपका क्लियर हो गया। यहां पर सी का 2 और डी का 3, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जो दिया है दोस्तों वह है डी, मिलान करना था, तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किस के द्वारा हो सकता है, अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए अनुच्छेद 315 और 316 ये आपका बात करती है दोस्तों लोक सेवा आयोग के गठन, तो 316 कहती है कि यदि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो वह राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, क्यों, क्योंकि हम अगर पढ़े नहीं है तो हमें आएगा कि यूपीएससी के संकल्प के द्वारा, यानी यूपीएससी एक रेजोल्यूशन दे दे सरकार को और सरकार क्या करेगी, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर देगी। नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होगा। क्लियर है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर है ए 16 का। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, है ना, तो यहां पर देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात हो रही है कि सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है,
तो देखिए, एक तो होता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होता है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, है ना, ये सब क्या है, स्टेट की है। लेकिन यदि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से चाहें तो एक क्या हो सकता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, जैसे हरियाणा और पंजाब का है, ठीक है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में, तो जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, और स्टेट के गवर्नर साहब करते हैं यानी राज्यपाल महोदय। उसी तरह ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा की जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो वह की जाती है हमारी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो फंक्शन है उस फंक्शन का विस्तार कौन कर सकता है, मीन्स कार्य क्षेत्र को यदि बढ़ाना है तो उसके कार्य क्षेत्रों को कौन बढ़ा सकता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है संसद, यानी संसद के अलावा ना तो राष्ट्रपति बढ़ा सकता है, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही कार्मिक मंत्रालय, है ना। तो यहां पर यदि संसद के कार्यों को बढ़ाना है तो संसद के कार्यों को बढ़ाने का अधिकार किसके पास दिया गया है, वह अधिकार है दोस्तों भारतीय संसद के पास दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को बढ़ाने का। 19 नंबर, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट में जजेज होते हैं, यानी जो लोअर कोर्ट के जजेज होते हैं, जिन्हें आप कचहरी में जजेज मिलते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो यहां देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल। देखिए, ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका कार्य नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, इसका भी कार्य नहीं, ये परीक्षा आयोजित करती है, ठीक है, लोक सेवा आयोग। मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, तो जो उस राज्य का राज्यपाल होता है वह उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट में यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है, ठीक है, जिसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका डी, कि राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल। 20, निम्नलिखित में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए, संचित निधि का यदि प्रावधान किया जाए, कहां है, तो 266 में है संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि में कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं इनमें से जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बिल्कुल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का की पेंशनें वो भी हैं, ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है वो भी भारत की संचित निधि, प्रधानमंत्री की परिलब्धता और भत्ते, यानी जो उनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो भी वेतन और भत्ते दी जाते हैं वो किस पर है, वह भी भारत की संचित निधि पर ही भारित माने जाते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, यानी ये चारों जो हैं वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल यानी मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जो बात की जा रही है मंत्रिपरिषद की, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां मिलता है, अनुच्छेद 352 में मिलता है। यहां 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय
आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कहां की गई है 352 में, कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि भारत के किसी हिस्से को खतरा है या किसी राज्य के हिस्से को खतरा है तो वह मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना पर। तो मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल कहां किया गया, अनुच्छेद 352 में किया गया है, जहां पर 352, 356 और 360 ये तीन अनुच्छेद में आपातकाल की बात की गई है। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी स्थापना कैसे की गई है, किन प्रावधानों के तहत। तो इसकी जो स्थापना की गई है दोस्तों, वह संथानम समिति की रिपोर्ट पर की गई है। संथानम समिति बनाई गई थी भारत में प्रशासनिक सुधारों की जांच के लिए। तो इस जो ये जो आयोग था, इसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए क्या किया था, सिफारिश की थी, और इस सिफारिश के आधार पर ही भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी के कार्य में शामिल नहीं होता है। मींस कौन ऐसा विभाग है जो जब बजट तैयार किया जाता है तो वहां पर शामिल होता है कि नहीं, वह है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं बजट से, ठीक है। जो बजट तैयार किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है, उसके संबंध में यहां पर यह कहा गया कि कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर कौन नहीं शामिल होता है, वित्त मंत्रालय शामिल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। यहां पर निगेटिव है, देखिए तीन तो दिया गया है, ये प्रतिषेध रिट, परमादेश, अधिकार परीक्षा, यानी पांच प्रकार की रिट होती हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। यानी 32 में सुप्रीम कोर्ट को और 226 में हाई कोर्ट को दिया गया है पावर रिट जारी करने के लिए। पांच होती है, तीन ये है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इसके द्वारा दो और होती है, एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद एक होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी ये पांच याचिकाएं होती है, दो ये हैं और तीन ये है ना। तो यहां पर प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन का जो इंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में इसको, इंजंक्शन का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी निषेधाज्ञा की कोई बात भारत के संविधान में नहीं की गई है। सबरीमाला मंदिर प्रकरण किस नाम से जाना जाता है। देखिए कोई भी वाद, कोई भी मामला, कोई भी मुकदमा जब किसी न्यायालय में संस्थित किया जाता है, दाखिल किया जाता है, तो वह किसी नाम से जाना जाता है। जैसे ये सबरीमाला मंदिर प्रकरण, ये तो उस मंदिर से जुड़ा हुआ जो विवाद है उसके संबंध में है ना। लेकिन इसका नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है इस केस का, जिस नाम से मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे अब जो है वह 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंपा गया है, ठीक है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर हम देखते हैं उसे, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस टेंपल ट्रस्ट, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। तो ये मामला जो जिस नाम से विचाराधीन है मामले में, वह है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस नाम से यह मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, जिस पर जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने, 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने फैसला सुना दिया है, जिसमें
फैसला 3-2 के बहुमत से सुनाया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि यह मामला बड़ी बेंच को रेफर किया जाएगा, बड़ी बेंच इस पर बैठेगी। अब बड़ी बेंच कितने जजों की बैठती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 7, 9, 11 या इससे भी बड़ी कोई बेंच जो है वह बनाई जाती माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहां पर आपका जो आंसर है वह है ए, ठीक है। सबरीमाला मंदिर प्रकरण किस नाम से जाना जाता है? इंडियन यंग लायर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये चूंकि वर्तमान में विवादित मुद्दा भी रहा है इसलिए यह प्रश्न भी आपका जो है वह बन सकता है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? यानी जो यहां पर व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का था वह किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? तो देखिए दो एक्ट हैं, एक तो आता है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, लेकिन यहां प्रश्न में आंशिक शब्द नहीं है। आंशिक का अर्थ क्या था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यहां पर आंशिक रूप से जो समाप्त किया गया था उसके साथ इन्होंने कहा था चाय और चीन के साथ व्यापार, ये दो अपवाद थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापारिक गतिविधि थी भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके एकाधिकारों को सुरक्षित रखा गया था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो यहां पर प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन यदि यही पर प्रश्न होता कि आंशिक व्यापारिक एकाधिकार है ना, तो आंशिक खत्म किया गया था दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर चाय और चीन के साथ जो व्यापार था कंपनी का उसको रोक के रखा गया था, उसको बचा के रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ए, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया था? भारत में पहली बार सांप्रदायिकता का बीज बोने का काम किया था लॉर्ड मार्ले और मिंटो ने, ठीक है। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार को जाना जाता है 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम यह ऐसा अधिनियम था अपने आप में जिसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का गठन हुआ था, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो वह है दोस्तों कौन सा एक्ट? 1909 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये एक्ट था। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट है, अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर अंतिम रूप से फैसला सुनाया जा चुका है कि राम मंदिर विवाद, यानी राम मंदिर जो प्रकरण है विवाद है वह किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से इस मुकदमे को चलाया गया है, ठीक है। तो यह था दोस्तों इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ, इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का मुकदमा था जिस पर अंतिम रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जस्टिस रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर भी फैसला सुना दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपका 29, किस केंद्रीय कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उपबंधित प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया गया है? मीन्स कौन सा ऐसा केंद्रीय कानून लाया गया है भारत में जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को जो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था उस विशेष दर्जे को फिलहाल क्या कर दिया गया है? इनऑपरेटिव बना दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है। तो वह एक्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019।
ठीक है, ये हमारा सही आंसर है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा भारत में लागू करीब 150 से अधिक कानूनों को अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक और नए यूनियन टेरिटरी को लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को जो राज्य था वहां से हटा दिया गया है और अब फिलहाल राज्य 28 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। तो टोटल कुल कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, ठीक है। अब पहले 9 थी लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, तो इसलिए कुल अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो कौन सा ऐसा ये कानून है, केंद्रीय कानून? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 30, कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, यानी विधान परिषद की यदि बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें कि कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, तो विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है? तो कुल विधान परिषद की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वह 6 राज्यों में विधान परिषद है, है ना। कुल कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को हटा दिया गया है, इसलिए अब कुल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम विच इज नोन एज CAA, बड़ा विरोध चल रहा है दिल्ली में, दंगे हुए इस पर, CAA के विरोध में बहुत से निर्दोष व्यक्ति मारे गए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान के भाग दो में वर्णित, यानी भाग दो में कौन सा भाग दिया गया है? भाग दो नागरिकता से संबंधित है, ठीक। तो भाग दो यानी 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये नागरिकता से संबंधित है हमारा, ठीक है। तो भाग दो में वर्णित कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होता है, ठीक। यहां पर ऑप्शन है आपका 5, 6, 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, यहां पर ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये जो संशोधन लाया गया है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम में लाया गया है, ना कि भारत के संविधान में, ठीक है। तो इससे भारत के संविधान का कोई भी अनुच्छेद जो है वह प्रभावित नहीं होगा, ठीक। इसका ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? बहुत ही जो है मुद्दा गरम था, ये बहुत ही बर्निंग इशू था जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है और उन्होंने ये कहा है कि आधार कार्ड का जो डेटा, नागरिकों का आधार कार्ड से संबंधित जो डेटा लिया जाता है नागरिकों का, क्या वह डाटा सुरक्षित है या नहीं है। तो इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया है कि जो नागरिकों के आप डेटा ले रहे हैं, क्या वह डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं है। इस बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिटायर्ड जस्टिस थे के एस पुट्टा स्वामी, उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध एक मुकदमा लगाया और उस मुकदमे में उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि क्या वह डाटा सुरक्षित है या नहीं। तो न्यायालय ने यह माना है कि राइट टू प्राइवेसी, यानी एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हर व्यक्ति का, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को हनन करने का, इसे गिराने का किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यहां पर यह देखना है कि कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम है संविधान का जिससे जो ईडब्ल्यूएस है ना, जो ईडब्ल्यूएस है
उस ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया इन्होंने कहा 10% का आरक्षण, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है समाज का उसे जो आरक्षण दिया जाएगा उसके संविधान संसद में, उसके संबंध में कौन सा संविधान संशोधन है, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जिससे दो नए अनुच्छेदों में यानी अनुच्छेद 15 में खंड 6 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 दो नए खंड जोड़कर 10% आरक्षण की व्यवस्था जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको किया गया। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34, वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या है स्वीकृत संख्या, ठीक है, तो स्वीकृत संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो 1+33 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कार्यरत है उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, तो कुल कितने हो जा रहे हैं यहां पर 34, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 34 की। इस समय वर्तमान में भारत की उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश कार्यरत है, तो टोटल 34 न्यायाधीश जो है वो कार्यरत है। क्लियर है यहां पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है, भारत में किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी है, है ना, तो यहां पर देखना है आपको, ये प्रश्न आपके सामने है बोर्ड पर, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है, है ना। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, ये आपको बताया गया है, इससे क्या हुआ था, भारत में 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष सालाना जो है वो शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 प्राच्यविद और आंग्ल विधियों के विदों द्वारा, ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, इन तीनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसकी नींव पड़ी थी, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारतीय संविधान में जो दी गई है वह किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्या होती है यह शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, मींस फंक्शन में नहीं है उस समय, किसी कारण सत्रावसान है, सत्र का विघटन हो गया है या सदन काम नहीं कर रहा, उसमें छुट्टियां चल रही हैं, और ऐसे समय पर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस विषय पर कानून बनाना अत्यावश्यक है, तो ऐसे विषयों पर जहां पर कानून बनाना जरूरी समझ में आता है ऐसे विषयों पर राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है, ठीक है, तो यह किस अधिनियम के द्वारा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा भारत के संविधान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को जो है वह लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किस जो है अधिनियम के द्वारा, ठीक है, देखिए यहां पर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, एक तो होता है कि संविधान के निर्माण का आधार और प्रस्ताव दो है, ठीक है, तो प्रस्ताव जो लाया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रस्ताव लेकर आए थे, ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, क्रिप्स मिशन।
भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था, किसके द्वारा? ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कैसे थे दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे वो। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। भारतीय संविधान की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन मीन्स पहली बैठक, प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किए जाने के कारण 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहली बैठक की बात कर रहे हैं, प्रथम अधिवेशन कब शुरू होता है? उसका सही आंसर है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को होता है प्रथम अधिवेशन स्टार्ट। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 40। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? यहां पर देखनी अपनाने की बात हो रही है, एक तो हो गया अपनाया जाना, दूसरा लागू होना, दोनों अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि कब अपनाया गया था, ठीक है, तो ये अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। और यदि पूरी तरीके से इसे लागू करने की बात करें, सॉरी, कब ये लागू किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये क्या किया गया था, पूरे भारत में लागू किया गया था, पूरे भारत में गणतंत्र लागू हो गया था। कब से गणतंत्र लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, और अपनाया कब गया है? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए अब 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? लॉ डे, यानी विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को अपनाया जाता है, विधि दिवस। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 41। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? कौन सा ऐसा कानून बना था जिसके द्वारा दल बदल पर रोक लगा दी गई कि कोई भी व्यक्ति दल बदल के आधार पर योग्य या अयोग्य घोषित किया जाएगा? कौन सा ऐसा कानून था? तो भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन लाया जाता है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 10वीं अनुसूची, और इस 10वीं अनुसूची के अनुसार से ये कहा गया है कि दल बदल के आधार पर जो है यदि कोई व्यक्ति घोषित किया जाता है तो वह क्या होगा? योग्य या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर। क्लियर है? तो कौन सा कानून था? संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल के संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यहां पर देखिए भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय
तमाम छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, झंडा समिति, तमाम समितियां बनाई गई थी जिन्हें अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करना था। ठीक, तो उस कार्य के अनुसार क्या किया गया था उन्होंने, तो यहां पर पूछ रहे हैं कि संघ संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वह संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो भारतीय संविधान को आपको ये मैचिंग करना है। देखिए, भारतीय संविधान के ये मद है और जिस देश से लिया गया है उस देश से आपको इसे मिलान करना है। नहीं, ये प्रश्न किसका है, स्रोत का, यानी यदि स्रोत की बात करें कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वह कहां से लिए गए हैं, किन देशों से लिए गए हैं, तो आपको इसे मैच करना है। देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिया है हमने, आयरलैंड के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत राज्य का संघ तथा संघों में अधिक शक्ति निहित होती है। ठीक है, यह हमने लिया है। तो इसको देखिए, ए का तीन कहां कहां पर है, ये दोनों जगह पर है। बी का पांच दोनों जगह पर है। सी का एक और डी का दो, यानी ये हमारा है कनाडा के संविधान से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपका आ रहा है निकलकर दोस्तों, वह आ रहा है डी। तो हमारा संविधान के स्रोत में देखिए, चार स्रोत आपको पता चल गए यहां पर कि नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई है, और भारत राज्यों का संघ होगा जो अनुच्छेद एक में कहा गया है वो कहां से लिया गया है, कनाडा से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका सही आंसर क्या है इसका, 43 का डी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। यहां पर भी आपको यह देखना है, प्रश्न संख्या 44 को भी मैच करना है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। ठीक, अनुच्छेद 14 हमारा क्या बताता है, समानता का अधिकार। 36 क्या बताता है, नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 368 हमारा संशोधन प्रक्रिया बताता है। तो आप इसका सही आंसर मिलाइए, ए का चार कहां कहां दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो केवल एक जगह। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया आंसर यहां पर, बी है ना, बी आप माफ कीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यानी ए का तीन है ना, ये आपका सही आंसर क्या है, डी होगा इस आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 45, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तथा कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर देना है। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम कि कौन सा कैसे सही होगा। विधानता यानी विधान के द्वारा नए राज्यों को शामिल करना, ये बात करता है अनुच्छेद 2 बताता है कि किसी नए राज्य को संघ में यदि शामिल करना है उसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद बात करता है, अनुच्छेद 2। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 बताता है। राष्ट्रपति का विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार यानी जो वीटो पावर की बात करता है वो अनुच्छेद 111 करता है। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं, ए का 2 देखिए कहां कहां पर दिया है, केवल एक जगह पर। बी का 1, सी का 4 और डी का 3, सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का बी है ना। तो 45 नंबर का जो सही आंसर है वह है बी। नेक्स्ट है 46, सूची एक और सूची दो को इसमें भी सुमेलित करना है। एक तो संविधान के अनुच्छेदों के साथ आपकी अंतर्वस्तु, देखिए सुमेलित करने वाले प्रश्नों को ज्यादा इसलिए समाहित किया जाता है ताकि आप एक प्रश्न के माध्यम से कम 3 से 4 प्रश्नों को करते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से 3 से 4 प्रश्नों को आप सही तरीके से पढ़ पाते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, ठीक है देखिए, अनुच्छेद 54 बताता है भारत के राष्ट्रपति ठीक है का निर्वाचन,
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 155 कहता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 कहता है राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्लियर है, आपका ए होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, राज्य विधानसभाओं की संरचना के संबंध में अनुच्छेद 179 में बात करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 47, सूची एक और सूची दो को यहां भी सुमेलित करना है। यहां पर ये जो सूची एक आपकी दी गई है वह है अनुसूची से जुड़ा हुआ। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। यहां पर एक तरफ अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ उस अनुसूची में कौन से विषय दिए गए हैं, किस विषय से वह जुड़ा हुआ है ना। तो आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह बात करता है दोस्तों विधायी शक्तियों का वितरण। यानी भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अर्थात इस सूची में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर कानून बनाने, किसको कानून, संघ सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य की विधानमंडल को, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है, ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, वह अधिभावी प्रभाव रखता है, वह लागू होता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से जुड़ी है, और भारत के संविधान में कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं कुल कैसी हैं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं भारत के संविधान में। 9वीं अनुसूची आपका बताता है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, जैसे भूमि से सुधार से संबंधित कोई विधि है या किसी संबंधित कोई विधि है, यदि वो 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो वह अनुसूची क्या हो जाती है, उस अनुसूची का रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसकी जांच नहीं की जा सकती है। 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, दल परिवर्तन के आधार पर निहत्था कि यदि कोई सदस्य दल बदल करता है अपनी सुविधा अनुसार तो वह व्यक्ति क्या होगा, दल बदल की आधार पर उस वह सदस्य क्या हो जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पर मिलान करते हैं ए का तीन कहां पर है, दो जगह दिया गया है, बी का एक, सी का 4 और डी का 2। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों सी, है ना, ये हमारा आंसर इस प्रश्न का 47 नंबर का सही प्रश्न का जो है आंसर है वो सी है, है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहां आपको सुमेलित करना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है जो बात करता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है भाग 4 ए में दिया गया अनुच्छेद 51 ए में, और राज्य जो है वह भाग 6 में नहीं दिया गया है। ठीक है, भाग 6 हमारा संघ से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इस प्रश्न का है डी, यानी राज्य के संबंध में प्रावधान यहां पर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा ये 6A है, है ना, मेरे को 4A समझ में आया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है दोस्तों सी आपका, है ना, ये आपका कहां पर दिया गया है, मौलिक अधिकार तब्य 4A में दिया हुआ है। ठीक है, ये 6A है, मुझे देखने में थोड़ा सा दिक्कत समझ में आई, मेरे को लगा कि वो 4 है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जिसका सही आंसर होगा सी, है ना, यहां पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 49। सूची एक सूची दो से सुमेलित करें और सूची में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है आपको, है ना। एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उस संविधान से जुड़े हुए दिए गए हैं। देखिए तो भाग संविधान का भाग 11, तो भाग 11 है किससे जुड़ा हुआ,
निर्वाचन से। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 आपात उपबंध, और भाग 18 है हमारा जो है ये इससे है जुड़ा हुआ, और भाग 18 है हमारा आपात उपबंध से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है डी बी। देखिए भाग 11 निर्वाचन से है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाग 16 किससे जुड़ा हुआ है आपका बी का 3 यानी कुछ वर्गों के संबंध में, है ना। भाग 10 5 15 2 17, भाग 17 किससे जुड़ा हुआ है राजभाषा से, और भाग 18 आपका किससे जुड़ा हुआ है आपात उपबंध से। क्लियर है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, यहां पर क्रम देखना है आपको कौन सा सही है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना पढ़िए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धन धर्म निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका सी, है ना, क्वेश्चन नंबर 50 का सी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। 100 प्रश्नों की यह श्रृंखला है दोस्तों, मैराथन क्लास चल रही है आपकी, जिसमें 100 प्रश्नों की यह श्रृंखला है आपको दी जा रही है, और ये 100 प्रश्न कैसे हैं बहुत ही अचूक हैं, जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 51 में चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष मीन्स सेकुलर, सेकुलर का क्या अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मींस राज्य सभी धर्मों को यानी सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलेगा, सर्वधर्म समभाव, सभी जो है धर्मों को हम बराबर महत्व देंगे, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो या सिख हो, तो सभी धर्मों को हम क्या करेंगे बराबर मान्यता देंगे, एक जैसी मान्यता रहेगी। तो धर्म निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो भारत की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र एक बार संशोधन किया गया है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, और कौन सा शब्द जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, दो शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द जोड़े गए हैं। इससे जुड़ा हुआ केस कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संसद अनुच्छेद 368 में प्रदत्त जो संशोधन की शक्ति है उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से जो संविधान का मूल ढांचा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है वह नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 51 का जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी। नेक्स्ट चलते हैं 52 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक
और गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था संविधान की प्रस्तावना को, वो कहा था के एम मुंशी जी ने, है ना। तो इसका सही आंसर है डी, फैक्चुअल प्रश्न है, कोई ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। प्रश्न संख्या 53 कहती है दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था दो तरीके की होती है, एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमारे यहां ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सही आंसर क्या है इस प्रश्न का, डी। विधायिका का किसके ऊपर होता है नियंत्रण, कार्यपालिका पर। विधायिका का जो है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 54 की तरफ। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है, वेलफेयर स्टेट में क्या क्या चीजें ली जाती, क्या है वेलफेयर स्टेट, किसे आप राज्य कल्याणकारी राज्य की संज्ञा देंगे, कौन सा राज्य कल्याणकारी राज्य माना जाएगा, है ना। तो यदि कल्याणकारी राज्य की बात हम करते हैं तो यहां पर देखिए अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, मींस मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस देना, ठीक है, हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम, जितने अधिक से अधिक लोगों को आप सुख सुखी कर सके, जो है उन्हें सुख प्रदान कर सके। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है दोस्तों वह है मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका सबसे सही आंसर होगा हमारा ए, यानी अधिकतम संख्या का, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, जितना अधिक हो सके लोगों को उतना अधिक से अधिक उनका कल्याण जो है आप कर सके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है। भारत में गणतंत्र लागू है ये जो है यहां पर सबको पता होता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल है। भारत में शासन वंशानुगत नहीं होता है कि आज हम प्रधानमंत्री, हमारे बाद हमारा बेटा, हमारे बेटे के बाद, तो यह वंशानुगत नहीं होता है शासन व्यवस्था भारत में। भारत में वंशानुगत नहीं है, जरूरी नहीं कि एक के बाद एक ही हो, है ना। तो भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, वंशानुगत नहीं है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि भारत में शासन व्यवस्था वंशानुगत नहीं है, यही अर्थ होता है भारत में गणतंत्र का, ठीक है। भारत में गणतंत्र का क्या अर्थ है कि भारत में, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, वह वंशानुगत नहीं है। चलिए आइए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 56। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है इसे किस वर्ष में अपनाया गया है, यह देखना है। प्रश्न आया है, एक बार पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यह प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों सन 1950 में, है ना, सन 1950 में इसे अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 57 की तरफ। एक नया राज्य बनाने में जो संवैधानिक संशोधन करने पड़ते हैं, वो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, यानी यहां मेजॉरिटी की बात हो रही है कि यदि मेजॉरिटी लानी पड़ेगी कोई संविधान संशोधन करना है, कैसा संविधान संशोधन करना है, नया राज्य बनाना है, ठीक है। नया राज्य कैसे बनता है, मान लीजिए ये राज्य है, ये है,
या तो ऐसा करके, है ना, या इसकी सीमाओं को मिलाकर। तो कोई नया राज्य बनाने के लिए जो संविधान संशोधन करना पड़ता है, वह संविधान संशोधन का बहुमत कैसा होना चाहिए? तो वह बहुमत दोस्तों होता है साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका साधारण बहुमत। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें यदि, कि कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो अभी तक देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात करें तो पहले 7 थे, है ना, फिर उसके बाद 2 नए बन गए, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है 2 नए बन गए, हो जाते हैं कितने, 9। लेकिन दमन द्वीप और दादर नगर हवेली इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, मर्ज करके 1 बना देते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 8। तो यदि इस समय बात करें कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश कुल कितने हैं दोस्तों, तो इसका संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, संघ शासित प्रदेश इस समय कितने हैं, 8। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 59। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा दोस्तों, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न पे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? पहली बार यदि हम बात करें कि पहली बार भारत में भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, तो पहली बार गठित होने वाला प्रदेश कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वह पहला राज्य था जिसे सन 1956 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था, है ना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ था, पहली बार 1956 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस जो नागरिकता के अर्जन का तरीका है वह किसके द्वारा नहीं प्राप्त होता है, यानी देखिए यहां पर यदि आप जन्म ले लेते हैं भारत में तो आपको नागरिकता बाय बर्थ मिल जाती है, देशीकरण के द्वारा भी मिल जाती है, कि कोई भूभाग है यदि वो भूभाग भारतीय क्षेत्र में मिला लिया जाता है तो वहां के नागरिक भी कैसे माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाने लगेंगे। ठीक है, तीसरा चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक में, भारतीय बैंक में धन जमा करने से, नहीं, किसी बैंक में आप धन जमा कर देते हैं तो धन जमा कर देने मात्र से आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, जिसका सही आंसर है हमारा डी, कोई किससे नागरिकता नहीं प्राप्त होती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा सुमेलित करना है ना, तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध किया गया है, बिल्कुल सही है। कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है, यह भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का ये जो अधिकार है वो 29 नहीं अपितु किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 30 में है। इसका सही आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 29 जो है वह सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 29 ये इसका सही आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है। मैचिंग करना है, रिट के बारे में दिया गया है, तो यहां पर देखिए 5 प्रकार की रिट होती है, 5 यहां पर दी गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, और इससे दूसरा यहां पर जो जुड़ा हुआ है दोस्तों कि ये कौन सा इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ होता है, हमें शरीर चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति को जब इलीगल तरीके से अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अवैध तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करने का जो अधिकार होता है वह कैसा होता है, वह इस याचिका को यानी रिट को आपको मिलाना है कि इस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमें शरीर चाहिए। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है अधिकार परीक्षा, देखिए किस अधिकार से, प्रतिषेध मीन्स पूर्णता जो है वह रोक देना, सूचित कर देना। और उत्प्रेषण होता है आपका अधीनस्थ न्यायालय का लेख। ठीक है, तो आइए इसको मिलाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ए का चार है ना, देखिए ए का चार यहां पर भी है, ए का चार यहां पर भी है और ए का चार यहां पर भी है। बी का तीन, बी का तीन, फिर देखिए ई मिलाते हैं, ई का एक, ई का एक देखिए कहां कहां पर है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है, ई का एक। ठीक, तो अब इससे देखिए आंसर निकालने के तरीके हमें देखना है, कैसे निकाले जाते हैं आंसर। अब आपको पता चला इसमें से दो ही तीन पता है, तो तीन का सबसे बेस्ट देखिए तीन कहां है, ये है, तो आंख बंद करके आप इसको टिक मार दीजिए। अब क्यों, क्योंकि बाकी को मिला लीजिए आप आराम से मिल जाएंगे, सी का पांचवा और इसका डी का दूसरा है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, डी का दूसरा और सी का पांचवा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका आंसर क्या होगा, बी। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए, प्रश्न संख्या 64 की तरफ। यह भी आपको सुमेलित करना है ना, तो सुमेलन में देखते हैं। उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध कहां गया किया गया है, अनुच्छेद 18 में किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में किया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है वह दिया गया अनुच्छेद 29 में, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में, ये कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा है ना, इसके द्वारा जोड़ा गया। अब इसको मिला देते हैं हम, ए का चार और माफ कीजिएगा ए का तीन है, ए का तीन, उपाधियों का निषेध 18 में है, बी का आपका आएगा चार, बी का चार है ना, और फिर आपका ये आंसर क्लियर निकल के आ गया, सी का एक और डी का दो है ना। तो इससे आपका ये आंसर क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 65। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, प्रश्न किसका है हमारा, स्रोत का है कि इसे कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से हमने अंगीकृत किया गया है, कौन सा, डीपीएसपी यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिए गए हैं, ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किससे है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, वह है हमारा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर है। ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट 67। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन बता रहे हैं, ये 42वां संविधान संशोधन।
मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। कहां पर जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग चार का, भाग चार का जोड़ा गया, 51 का जोड़ा गया, जिसमें वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना, यहां पर देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने चर्चा की आपको इससे पहले प्रश्न में कि मूल कर्तव्य कहां जोड़े गए हैं दोस्तों, भाग चार का में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहां पर भाग दो नागरिकता सही है, भाग तीन मौलिक अधिकार सही है, भाग चार राज्य की नीति निर्देशक, लेकिन भाग पांच में मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि भाग चार का में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है डी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 69। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, यह प्रश्न आपको देखना है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, पढ़ा गया है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद भी आ जाता है, वो नहीं होते। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनता है? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं? यानी यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है, अपना इस्तीफा देना है, तो वह इस्तीफा किसको देंगे, है ना। तो यहां पर देखिए, वो इस्तीफा किसको सौंपेंगे? वो इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है वह सौंप सकते हैं। 71। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त पद पर चुनाव करवाने की अधिकतम समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम समय सीमा दिया है उन्होंने 6 माह। ठीक है, कि किसी भी सूरत में भारत के निर्वाचन आयोग को पद रिक्त होने से 6 माह के अंदर उस रिक्त पद को भर लेना होगा। इसका सही आंसर है बी। ठीक, सही आंसर बी है इसका। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 72। राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? अर्थात किन किन चीजों को जब राष्ट्रपति क्षमा दान देता है तो किन किन चीजों को नहीं ले सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्षमा कर सकते हैं पूरी तरीके से, सॉरी, क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लघुकरण मींस बड़ी सजा है छोटी कर सकते हैं, नहीं 10 वर्ष दिया गया है 5 वर्ष कर सकते हैं, परिहार मींस कम कर सकते, परिहार मींस माफ कर सकते हैं, विराम यानी रोक लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते, रोकना मींस परमानेंट, परमानेंटली नहीं रोक सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, विराम लगा सकते हैं, विराम का अर्थ होता है फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, है ना, लेकिन परमानेंट रोक नहीं सकते हैं, और निरंतरता ये तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 कार्य राष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते, एक तो ये और एक ये। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन कहां पर है, है ना, ये ऑप्शन मिल रहा है हमें यहां पर, तो सबसे सही आंसर है इसका ई, है ना, कि राष्ट्रपति महोदय ये कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है?
देखिए राष्ट्र उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत में आपको बताना है। राष्ट्रपति स्तर पर सीधे चुनाव से सीधा चुनाव होता ही नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन नहीं होता है, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव के द्वारा उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। यानी उपराष्ट्रपति महोदय कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के द्वारा डायरेक्ट इनका निर्वाचन होता है। तो सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74, प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। प्रधानमंत्री कौन सा सही है यह देखना है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी क्या प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। चौथा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, माफ कीजिएगा सही है कौन सा कथन, अब आप बताइए कौन सा कथन सही है, तो डी सही है। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, नाम मात्र का नेता नहीं होता है, वास्तविक नेता होता है ना, जिसका सही आंसर है हमारा डी। भारत का प्रधानमंत्री होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। अब आप ये कह दें कि निर्वाचित होता है, तो निर्वाचित कौन होता है साहब, निर्वाचित सांसद होते हैं, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा, तो जो लोकसभा या राज्यसभा से चयनित होता है व्यक्ति, वही व्यक्ति क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में जो जो बहुमत दल का नेता होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे होता है, नियुक्त होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किस सरकार का मुख्य होता है भारत का प्रधानमंत्री, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय दोनों सरकारों का, या किसी का नहीं होता है, तो सिंपल सा प्रश्न है ये, केंद्र सरकार का है ना, राज्य मुख्य प्रधानमंत्री किसका होता है प्रमुख, केंद्र सरकार का। अनुच्छेद 78 में दायित्वों का प्रावधान किया गया है, किसके दायित्व, लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व, राज्यसभा के सभी पद सभापति का दायित्व, प्रधानमंत्री का दायित्व, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो प्रधानमंत्री के दायित्वों की चर्चा की गई है कि प्रधानमंत्री सरकार के क्रियाकलाप के बारे में राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराता रहेगा, उसे सूचित करता रहेगा, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट क्या है, किसे आप कैबिनेट मानते हैं, कैबिनेट का मतलब क्या है, शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट का अर्थ होता है दोस्तों कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही कैबिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 79, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनाना पड़ेगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन
के सदस्य हैं तो वो क्या नहीं कर सकते हैं? देखिए यहां पर, वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे यदि उच्च सदन की है। उच्च सदन मीन्स राज्यसभा का सदस्य है वह व्यक्ति। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। ठीक है, तो उच्च सदन का सदस्य होने की स्थिति में, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या पदच्युति को विवेचित करता है? मींस कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो अनुच्छेद हमारा है 75। डी 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 81। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? मींस इसका हेड कौन होता है? यदि बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो होती है, नेशनल डिफेंस कमेटी, तो नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन होता है? भारत में नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड होता है भारत का प्रधानमंत्री, है ना, भारत का प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं यहां पर, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको याद रखना है कि कौन होगा इसका अध्यक्ष हेड, तो यहां पर। नेक्स्ट 82। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि यहां पर आपको ये पता है कि न्यूनतम आयु की क्या बात चल रही है यहां पर, है ना, कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु की बात यदि करें तो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र है? 25 वर्ष, है ना, और राज्यसभा की 30 वर्ष। ठीक है, तो या तो लोकसभा या राज्यसभा का जो सांसद होता है वही बनता है प्रधानमंत्री, है ना। तो यहां पर देखना है हमको आंसर सबसे सटीक क्या होगा, 25 वर्ष। पहले क्या होता है, पहले लोकसभा को प्राथमिकता दी जाती है, यदि लोकसभा से निर्वाचित नहीं है तब राज्यसभा का नंबर आता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा जो है, 25 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन कैसे हुआ है? ठीक है, क्या मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, यानी भारत का संविधान जब बना था तो क्या उस समय उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया था? क्योंकि पहले उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल पंडित सरदार सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहां पर इसका आंसर है कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। जैसे अभी इस समय देखिए डिप्टी सीएम का चलन बढ़ गया है, डिप्टी सीएम हर राज्य में डिप्टी सीएम बन रहे हैं, यूपी में दो दो डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य जी और पंडित दिनेश शर्मा जी, है ना। तो डिप्टी सीएम या उप प्रधानमंत्री का पद कहीं संविधान में नहीं दिया गया है ना, तो संविधान के प्रावधानों से इतर जाके जो है वह इस प्रधान उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, मींस वो संसद का सदस्य नहीं है, संसद मींस ना तो प्रधानमंत्री ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना तो वो लोकसभा और ना ही राज्यसभा, ठीक है, किसी सभा का वो सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का, फिर भी क्या ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल हां बन सकता है। मींस कोई आम आदमी भी हो वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम कितने समय तक? अधिकतम 6 माह तक। 6 माह के बाद यदि वह दोनों सदनों का सदस्य नहीं चुना जाता है, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं चुना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर, तो यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह केंद्रीय मंत्री कितने दिनों के लिए बन सकता है? अधिकतम 6 माह के लिए। प्रश्न संख्या 85। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है,
लोकसभा के प्रति, यहां पर देखना है आपको कि किसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सामूहिक रूप से, है ना, लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 74(3) के अंतर्गत। देखिए लोक मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। संवैधानिक बाध्यता क्या है, अनुच्छेद 75(3) इसकी संवैधानिक बाध्यता है, प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत लोक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, इन तीनों को। तो यहां पर सही आंसर है इसका B 1 2 3, यानी लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 86, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के प्रति, है ना। तो यहां पर ये प्रश्न थोड़ा सा जो है गलत टाइप हो गया है, माफ कीजिएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा यहां पर दोस्तों, लोकसभा के प्रति होता है, है ना, लोकसभा के प्रति, ठीक। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। प्रश्नों का रिपीटेशन हो गया है। 88, लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन करेगा, यदि कोई पद लाभ का पद है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, लाभ का पद यानी जिससे गवर्नमेंट से आप क्या करें किसी प्रकार से धन का लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी संवैधानिक पद पर आपको चुनाव लड़ना है तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन लाभ का पद माना कौन जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है, भारत की संसद इसका निर्णय करती है। तो इसका सही आंसर है B, यानी संघीय संसद, ठीक, संघीय संसद जो है वह इसका निर्णय करती है कि लाभ के पद के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार किसको है, वह संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, कौन सी ऐसी शब्दावली है जिसका जिक्र भारत के संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 बताता है, विनियोग विधेयक 114, संचित निधि 266, लेकिन बजट शब्द का कहीं पर जिक्र पूरे भारत के संविधान में नहीं है दोस्तों। तो कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं है, बजट भारत के संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, है ना। तो सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर है, जिसे निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद भी सुशोभित किया है, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समयांतर के बाद, यानी एक समय के बाद, यानी कंटिन्यू नहीं, एक समय रहे फिर उसके बाद कुछ समय नहीं रहे फिर उसके बाद आए हैं, समयांतर के बाद सुशोभित किया है। देखिए यहां पर यदि हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये दो प्रधानमंत्री दो बार थे, दो कार्यकाल, लेकिन ये लगातार थे, कंटिन्यू। यहां पर प्रश्न क्या है, समयांतर के बाद, समय के बाद, तो इसके ये आंसर आइए गुलजारी लाल नंदा, एक बार प्रधानमंत्री बने फिर उसके बाद इस्तीफा दे दिए, फिर उसके बाद सरकार आती है फिर से गुलजारी लाल नंदा बनते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। ये तीन प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने समयांतर पर प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, अर्थात एक बार थे प्रधानमंत्री पद पर, दोबारा नहीं चुने गए, फिर किसी कारणवश बाद में फिर चुनाव होता और फिर से ये प्रधानमंत्री पद को इन्होंने क्या किया है, सुशोभित किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 3, 4, 5, यानी सी, गुलजारी लाल नंदा साहब, इंदिरा गांधी जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है समयांतर पर प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। भारत के
प्रधानमंत्री के कार्यकाल, प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? देखिए, यह भी एक अपने आप में यूनिक प्रश्न है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी आए ही नहीं। प्रधानमंत्री थे पर संसद की कार्यवाहियों में कभी भाग नहीं लिए। चौधरी चरण सिंह जी अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन है जो यह कहता है कि किसी भी सूरत में जो मंत्रिमंडल होगा वह मंत्रिमंडल नॉट मोर देन 15%, यानी 15% से अधिक नहीं, यानी अधिकतम कितने? 84 मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम 84 मंत्री। ठीक, तो अधिकतम 84 मंत्री का प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक, अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? अधिकतम 15%। 93। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, यह दिया गया है दोस्तों, एक तरफ नेताओं के नाम है और दूसरी तरफ उनका जो समाधि है जहां पर उनको दफनाया गया है उनसे जुड़े हुए स्थल का नाम है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्थल है वो शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, राजीव गांधी जी का कर्म भूमि नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन मदद करता है, कौन परामर्श देता है? ठीक है, तो कानूनी विषयों पर कौन देता है भारत सरकार को सलाह? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता क्या होती है? योग्यता वह होती है कि कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है ऐसे व्यक्ति को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में भारत का जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 95। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? वेरी सिंपल, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 96। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, जी नहीं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डजंट हैव द राइट टू वोट, उसे मत देने का अधिकार नहीं है, है ना। इसका सही आंसर क्या है? सी। 97। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ठीक है, भाग कौन ले सकता है? भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति, यानी ना तो उपराष्ट्रपति दोनों में जा सकता, ना महाधिवक्ता जा सकता है, ना मुख्य न्यायाधीश जा सकता है, केवल और केवल महान्यायवादी जा सकता है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न संख्या 98। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार, है ना, कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। 148 से लेकर 151 तक दिया गया है प्रावधान। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो सरकार की योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को ऑडिट करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, अंतिम प्रश्न है आपके इस मैराथन की, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 148 के तहत। ठीक, ये प्रश्नों का जो संग्रह है दोस्तों, 100 प्रश्नों का संख्या मैराथन क्लास है संस्थान की द्वारा आपको दिया जा रहा है, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का, हर विषय का एक एक मैराथन आपको मिलेगा। यह मैराथन का उद्देश्य आपको आपकी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह प्रश्न ऐसे प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों जो या तो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। करंट के भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चनों को मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, जैसे सबरीमाला है या राम मंदिर है, इनको भी हमने समाहित किया है। तो जो भी आगामी परीक्षाएं आपकी आ रही है, उन परीक्षाओं को यदि आप देने जा रहे हैं, तो यह मैराथन क्लास आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों, सक्सेस हों और सफलता का परचम लहराएं, बहुत बहुत धन्यवाद।